Hey there, this is Vaishnavi and welcome back to my channel. This is gonna be the first video of 2024. मैं जानती हूँ काफ़ी टाइम से मैंने पोस्ट नहीं किया है बिकॉज काफ़ी सारे मेरे प्रायोरिटीज थे ओके विच आई हैड टू रियली लुक इन टू ओके. अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ कि अभी तक मैं कहाँ थी और क्या चल रहा था. सो गाइज, इफ़ यू नो ऑलरेडी आई एम ऑल्सो इन टू क्रिकेट. सो मेरे टूर्नामेंट्स थे काफ़ी टाइम तक और प्रैक्टिस थी हमारी इंटेंस मॉर्निंग इवनिंग. बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज नॉट रियली एबल टू मेक वीडियोज फॉर यू. मगर अभी वो हो चुका है, इट्स डन, द सीजन इज ओवर. अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो हैविंग माई पेड कम्युनिटी ऑफ माई आर्टिस्ट. तो हमारी जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी हो चुकी है ऑलरेडी, राइट. तो यू नो वी आर टुडे अ फैमिली ऑफ 1000, मोर देन 1000 पीपल इन माई कम्युनिटी ओके. और हम लोगों ने जो इतने महीनों से जो साथ निभाया है इन माई पेड ट्राइब, हम लोग एवरी मंथ वी आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू और दी अदर. हर बैच में जो पोर्ट्रेट्स हम लोग बनाते हैं इट्स टोटली फ्लॉलेस एंड यू कैन एक्चुअली सी सो मेनी रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू ओके. तो ये जो सारे रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे मैं लगी थी इन लोगों के लिए ओके. आई वॉज रियली इन टू सर्विंग माई कम्युनिटी, उनको हेल्प करने के लिए. दैट वॉज ऑल्सो रीज़न मैं यूट्यूब पर उतना एक्टिव नहीं हो पाई थी. मगर अब मैं जैसे आ चुकी हूँ और अब जैसे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट थॉट हो चुकी हैं, माई स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑन देयर ओन, आई हैव माई क्लासेज ऑल्सो रेगुलर बेसिस पे हो चुका है एंड लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड. सो आई डिसाइडेड टू गेट बैक हियर टू हेल्प यू एंड प्रोवाइड यू ऑसम कॉन्टेंट ताकि आपकी जो रियलिस्टिक आर्ट की जर्नी है बिल्कुल शुरू हो जानी चाहिए ओके. नाउ यू कैन एक्चुअली कंसिडर दिस चैनल एज योर होम ओके. दिस इज गोना बी लाइक अ ट्रेजर हाउस ऑफ रियलिस्टिक आर्ट. आपको जो भी रियलिस्टिक आर्ट या चारकोल रिलेटेड जो भी जानना है सारी की सारी चीज़ें मैं कुछ दिनों में धीरे धीरे करके आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ शेयर करने वाली हूँ. ऑलराइट, तो अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं हो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू नो यू कैन एक्चुअली लुक फॉर सर्टन काइंड ऑफ बेटर वीडियोज़ इन द फ्यूचर ऑल्सो. राइट, सो शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा ओके. मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया, प्लस अगर आप भी जानना चाहते हो कि मेरी क्या कम्युनिटी है, किस तरह से आप भी आ सकते हो उसमें, सो मैं उसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगी. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग अबाउट दैट ओके. सो चलते हैं आज के पर्टिकुलर वीडियो की तरफ. ऑलराइट, तो कुछ ही दिन पहले मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला था कि आपको कौन से वीडियोस देखने हैं ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर, सो दैट यू नो आई कैन क्रिएट स्पेसिफिक वीडियोस लाइक दैट और आपको मैं कुछ ऐसा कंटेंट दे सकूँ जिससे आपकी चारकोल की आर्ट जर्नी बिल्कुल शुरू हो सके. सो मुझे काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए थे. इफ़ आई एक्चुअली शो यू, लोगों ने कहा था लूमिस मेथड के ऊपर वीडियो चाहिए, फ्री हैंड पोर्ट्रेट्स पे चाहिए, 3D हेयर ड्राइंग करनी है ओके. कोई कह रहा था कि यू आर क्यूट, ओ थैंक यू, राइट. और यस, सो आई कैन से लाइक अलग अलग टाइप्स के लोगों ने कहा था कि स्मूथ शेडिंग के ऊपर भी करना है ये वो ओके. सो मैंने क्या डिसाइड किया है, आई हैव जस्ट डिसाइडेड दैट क्यों ना शुरू करते हैं सबसे आसान चीज़ से, है ना. इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू अ पोर्ट्रेट डायरेक्टली, व्हाई नॉट आई टीच यू वेरी सिंपल थिंग जो कि एक बिगनर भी कर पाएगा. एंड दैट्स व्हाई आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ डू वी क्रिएट यू नो लवली ब्यूटिफुल रियलिस्टिक बियर्ड यूजिंग चारकोल पेंसिल्स ओनली. नाउ द रीज़न आई चोज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज दैट काफ़ी बिगनर्स के पास हो सकते हैं इनिशियली पाउडर ना हो ओके. क्योंकि चारकोल पाउडर से काफ़ी सारे हमारे वर्क्स हो जाते हैं. नाउ चारकोल पाउडर कैसे बनाया जाए उसके ऊपर एक वीडियो डेफिनेटली आ जाएगा थोड़ी ही दिनों में, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल. मगर हाँ, इनिशियली इफ यू जस्ट हैव अ सिंगल पेंसिल ना कम हो जाएगा आपका ओके. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड रियलिज्म के कॉन्सेप्ट्स, इफ यू नो दैट इट विल वर्क फॉर यू डेफिनेटली. राइट, सो आई थिंक इट्स इनफ ऑफ द टॉकिंग, नाउ वी शुड नाउ गेट इन टू द मेन पार्ट एंड स्टार्ट टू ड्रॉ लवली रियलिस्टिक बियर्ड ओके. सो नाउ आई हैव फ्यू रेफरेंसेज ऑफ बियर्ड ओके. अब आप देखोगे ये जो अलग अलग टाइप्स के जो रेफरेंसेज है ना, एवरी टाइम यू विल सी देर इज अ डिफरेंस इन दैम ओके. लाइक यू नो आपको दो तीन टाइप के बियर्ड आने चाहिए. फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली लॉन्ग हेयर वाले बियर्ड ओके. देन ये वाले जो देखोगे दिस इज काइंड ऑफ यू नो लिटिल शॉर्ट हेयर ओके, और इसमें थोड़े से स्टबल हेयर भी है ओके. व्हाट डू आई मीन बाय स्टबल हेयर, दिस इज व्हाट इज स्टबल हेयर ओके. जहाँ पे आपने यू नो फ्रेशली अगर शेव करा है सो द हेयर इज स्टिल ग्रोइंग काइंड ऑफ लाइक अभी अभी ग्रो हो रहा है ओके. सो ऐसे करके जो स्टबल हेयर है यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नो देर आर एक्चुअली यू नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स ओके, टाइप्स ऑफ हेयर फॉर बियर्ड. नाउ हम यहाँ पे तीन चीज़ों की बात करेंगे. सबसे पहले हम समझेंगे लॉन्ग हेयर को कैसे ड्रॉ किया जाए ओके. हम बात करेंगे कि शॉर्ट हेयर कैसे हो बनेंगे एंड थर्डली विल टॉक अबाउट दो स्टबल हेयर ओके.
हाउ डू वी एक्चुअली ड्रॉ द स्टबल हेयर एंड एवरीथिंग इज चॉकवुड. सो फर्स्टली आपको सबसे पहले ये करना है दैट वट एवर इमेज यू टेक, सपोज यू नो आई जस्ट वॉन्ट ड्रॉ दिस इमेज, मैं ये ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो यू हैव टू जस्ट टेक दिस वन और आपको स्नैपसीड पे जाना है. ठीक है, यू हैव टू टेक स्नैपसीड क्योंकि आप कोई भी इमेज पे काम करते हो यू हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द इमेज इनटू ब्लैक एंड वाइट, राइट. सो यू हैव टू जस्ट गो टू स्नैपसीड ऐप, टूल्स पे जाइए, ट्यून इमेज एंड वहाँ पे यू हैव टू टर्न द सैचुरेशन डाउन टू जीरो. ओके, 100 माइनस 100 कर देंगे तो सैचुरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिकॉज बेसिकली वी हैव टू ऑलवेज वर्क ऑन यू नो दोज ब्लैक एंड वाइट इमेजेस इफ यू सी, राइट. अब हमारे पास एक सही इमेज आ चुका है जिसके ऊपर वी कैन लुक फॉर द लाइट्स एंड शेडोज ऑन द बियर्ड और हम लाइटिंग कंडीशन और उसके हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ इसके अलावा मैंने काफ़ी एक मेजर मिस्टेक देखी है जो हमारे बिगनर्स करते हैं वाइल ड्रॉइंग बियर्ड. ओके, लेट मी शो यू दैट. सो इफ यू सी दिस इमेज, काफ़ी सारे मुझे आप लोगों ने मुझे फोटोज़ भेजे थे एंड यू हैड आस्क्ड मी कि मैम क्या बेटर हो सकता है इसमें. सो आई कुड डेफिनेटली लाइक अ पैटर्न हियर. ओके, आप देखोगे बियर्ड जो है इट इज़ नॉट रियलिस्टिक, इट्स जस्ट लाइक लाइन्स, आपने बना दी है लाइन्स. ओके, देर इज़ नो रियलिज्म. आप अगर यहाँ देखोगे इट्स लाइक अ प्रीटी मच बिगनर ही ने बनाया है विच हैज़ नो बियर्ड. यहाँ आप देखोगे काफ़ी लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो पूरा का पूरा शेड कर देते हैं, जस्ट लाइक शेड कर देते हैं लाइक दैट, विच इज़ रॉन्ग. यू डोंट हैव टू डू दैट व्हेन यू ड्राइंग बियर्ड. If you see this one, again, white beard जो है बन नहीं पाई है. हम चाहते थे white beard बनाना मगर बनी कैसी, ऐसी. You know, I'll just show you something जो मैंने कुछ time पहले बनाया था. So look at this white beard. If you see this white beard, it has a huge difference compared to the one that I showed you right now, है ना. इस वाले में अगर आप देखोगे ध्यान से, इट हैज़ यू नो डेप्थ, इट हैज़ दैट रियलिस्टिक इफेक्ट. सब चारकोल से बनाया गया है मगर इस वाले में देखिए देर इज़ नथिंग एज सच, कुछ भी नहीं है. ओके, सो ये सारी हम गलतियाँ कर देते हैं एज बिगनर्स, लुक एट दैट. काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं, पूरा बैक एंड फोर्थ शेड कर देते हैं जस्ट लाइक लाइन्स. अगैन यू नो देर इज़ नो डेप्थ हियर, लुक एट दैट एज वेल. ओके, तो मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज ये देख के आपको पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना है. दिस ऑल्सो स्टबल जो बनाना चाहता था आर्टिस्ट. ओके, लाइक स्टबल हेयर जो कि बन नहीं पाया एग्जैक्टली, इस तरह से रियलिस्टिक इफेक्ट्स आ नहीं पाए, राइट. सो नाउ दैट वी नो व्हाट नॉट टू डू, लेट्स गो एंड लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी एग्जैक्टली ड्रॉ द बियर्ड.